हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज़ की तरह आज मैं आपको लखनऊ के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये सड़कों की सफाई हो रही है, बहुत अच्छी प्रकार सफाई हो रही है। मैं अभी लखनऊ के मुंशी पुलिया में हूँ और मुंशी पुलिया का नज़ारा देखिए। यहाँ पर देखिए, सामने एक मेट्रो आई है दोस्तों, इस सड़क पर मेट्रो है। देखिए, ये मुंशी पुलिया का नज़ारा है दोस्तों। ये मेट्रो स्टेशन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पूरा मेट्रो रुकी हुई है, देखिए आप, बहुत बढ़िया प्रकार मेट्रो रुकी हुई है यहाँ पर दोस्तों। और तमाम प्रकार के लोग इधर उधर जा रहे हैं, पूरी सड़कों की सफाई हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो रुकी हुई है यहाँ पर, मेट्रो स्टेशन पर रही है। और ये मुंशी पुलिया का नज़ारा है दोस्तों। देखिए, ये दुकानें हैं, ये सिटी आर्ट है, और ये रश्मि स्वीट्स है, और तमाम प्रकार के स्वीट्स यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो है आपका ये यहाँ पर दुर्गा महादेव मूर्ति और दुर्गा भोजनालय है, दुर्गा पकौड़े भंडार। देखिए, दुर्गा पकौड़े भंडार के अंदर तमाम ऐसी एक्टिविटी जो की है। ये देखिए यहाँ पर ये पकौड़े बन रहे हैं, ये कचौड़ियाँ बन रही हैं, मज़ा आ रहा है। देखिए, कोई किस काम कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, तो लोग सवेरे से काम करते हैं। यहाँ पर बड़ी अच्छी कचौड़ियाँ बनती है, देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। सब नमस्कार। देखिए, ये बहुत बढ़िया है, बहुत दिन बाद आए आ रहा है। ये देखिए, ये गुप्ता, ये दुर्गा कचौड़ी भंडार है। और यहाँ जो है तरह तरह के जो है दोस्तों कचौड़ियाँ बनती हैं। ये लखनऊ में सबसे ज़्यादा फेमस कचौड़ी यहाँ पर बनती है दोस्तों, और लोग इसका आनंद उठाते हैं। काफ़ी लोग मतलब दूर दूर से आकर के इसको ख़रीदते हैं, यहाँ पर आते हैं, लोग मज़ा लेते हैं, बहुत स्वादिष्ट ये होता है। और दोस्तों ये देखिए ये हेलो कह रहे हैं। और देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा अच्छा ये दुर्गा कचौड़ी भंडार है। और काफ़ी लखनऊ के लोग आकर के ये बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हैं, और दाम भी इनका सही है। और ये शुरू से हम लोग इसको ख़रीदते हैं दोस्तों। मैं अभी यहीं पर खड़ा हूँ, देखिए आप, मैं दुर्गा कचौड़ी भंडार के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर बिक्री हो रही है और लोग ख़रीद रहे हैं। देखिए, ये 5 बजे से 6 बजे से जो है यहाँ पर कचौड़ी मिलना शुरू होता है, और रात के 10 बजे तक यहाँ पर कचौड़ियाँ आपको उपलब्ध होंगी दोस्तों। अभी मैं आपको आगे की सीन बताऊंगा। ये आपका ललित जनरल स्टोर है, यहाँ पर तमाम प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, ब्रेड है, मक्खन है, दूध है, और तमाम टाइप की चीज़ें मिलती है। ये लखनऊ की ये मेट्रो स्टेशन का एरिया है दोस्तों। ये स्वाद दूध है, स्वाद दूध का स्वाद डेयरी है, स्वाद डेयरी में आपको दिखा रहा हूँ, ये स्वाद डेयरी है दोस्तों। ये मैं आज बिल्कुल लखनऊ के मुंशी पुलिया पर खड़ा हूँ, और सुबह जो है यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। ये लखनऊ का दृश्य है दोस्तों। सुबह सुबह मुझे भी आज मैंने इस रास्ते से आने का निर्णय लिया, और मैं अपना एक्सरसाइज करके अभी मुंशी पुलिया चौराहे पर से जा रहा हूँ, और यहाँ का आनंद देख रहा हूँ, तरह तरह की एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ। यहाँ पर देखे दोस्तों, ये मुंशी पुलिया में भोजनालय है, श्री शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है। यहाँ पर पेपर वितरण होता है, दैनिक जागरण है, तमाम टाइप के पेपर आपको यहाँ पर उपलब्ध होंगे, भैया पेपर पढ़ें। और ये आपका यहाँ पर पुष्प वाटिका है, बहुत ही अच्छी पुष्प वाटिका है। देखिए, ये पुष्प वाटिका है, यहाँ पर लोग तरह तरह के रिक्शे टेम्पो वाले आपको यहाँ से मेन मार्केट से ये लखनऊ के मतलब मुंशी पुलिया का मेन चौराहा है दोस्तों। ये आपका यहाँ पर, ये आज मंगलवार है, भगवान हनुमान की पूजा होती है। ये प्रसादी यहाँ पर बनी हुई है दोस्तों, लोग भगवान का ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और समर्पण कर रहे हैं। मंदिर में पूजा पाठ सब हो रहा है दोस्तों। ये आज मंगलवार का दिन है, मैं भी भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ, और भगवान को प्रणाम कर रहा है दोस्तों। ये हनुमान जी का मंदिर है, लोग दर्शन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सुबह सुबह जब मैं निकलता हूँ दोस्तों, अलग अलग एरिया में जाता हूँ, और
यहाँ पर देखो तमाम भक्त लोग आ रहे हैं, भगवानों के प्रति श्रद्धा है। मंगल भगवान हनुमान जी का ये बहुत ही अच्छा मंदिर है। यहाँ पर पंडित जी खड़े हैं और लोग अपना पूजा अर्चना कर रहे हैं, भक्त लोग आए हैं। बहुत अच्छी बात है, ये मंगल का दिन है आज और ये बहुत ही अच्छा और यहाँ पर नज़ारा है दोस्तों, ये लखनऊ का नज़ारा है। मैं आपको हर क्षेत्र के बारे में बताऊंगा कि लखनऊ में क्या क्या चीज़ है। मेन चौराहे पर मैं अभी खड़ा हूँ दोस्तों, अभी मैंने ये मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, मेट्रो स्टेशन का एरिया है। ये लोग इधर उधर जा रहे हैं, यहाँ पर तमाम गाड़ी गई ई रिक्शा उधर उधर खड़े हैं और यहाँ पर जो है ये पुष्प वाटिका है, ये लोग यहाँ पर पुष्प खरीदते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। मैंने आपको प्रसादी दिखाई और यहाँ पर देखिए भैया ये बर्फ़ बेचते हैं। अब गर्मियाँ आने वाली हैं तो बर्फ़ का भी स्टॉल लग रहा है। तमाम टाइप की गाड़ियाँ दोस्तों यहाँ पर खड़ी हैं। मैं आपको फिर से लखनऊ के मेन चौराहे में मैं खड़ा हूँ दोस्तों, उसी का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। और सुबह का मौसम है और यहाँ पर अभी लगभग दोस्तों 8 बजे का टाइम हो रहा है। लोग जो हैं इस चौराहे पर इधर उधर जाते हैं और ये देखिए सब लोग इधर उधर विचरण कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही अच्छा चौराहा है। देखिए यहाँ पर बहुत ही तमाम टाइप की चीज़ें हैं दोस्तों। ये चारबाग जाने वाली गाड़ियाँ हैं, इससे हम चारबाग जा सकते हैं। आपको मेन चौराहे पर ये चारबाग मिलेगा। यहाँ पर आदमी खुला शौचालय भी है दोस्तों, जहाँ पर आप लक्ष्मी ज्वेलर्स है, तमाम प्रकार के ज्वेलर्स हैं और ये लोग अपना विचरण करते हैं। मैं अभी दोस्तों आनंद देखनी ब्लॉक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये सागर का स्वीट्स है, ये बहुत पुरानी स्वीट्स की बाजार है, यहाँ पर दुकान है। और ये देखिए ये लखनऊ का, अभी लखनऊ में फ्लाईओवर बन रहा है दोस्तों मुंशी पुलिया के ऊपर, ये सीधे टेढ़ी पुलिया तक मिलेगा। ये फ्लाईओवर से काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जाम की समस्या ख़त्म हो जाएगी, जाम नहीं लगेगा। देखिए मैं आपको पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। मैं अभी लखनऊ मेन चौराहे पर हूँ और अभी देखिए यहाँ पर पानी का छिड़काव भी कर रखा है, सरकार की व्यवस्था है, सफाई है, पानी का छिड़काव कर रखा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, ये पानी का छिड़काव कर रखा है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। अभी मैं आपको आगे का भी दृश्य, ये दोस्तों ये स्ट्रीट फूड का कॉर्नर है, यहाँ पर लोग सुबह सुबह आकर के पराठा उगर उगर खाते हैं। ये लोग अपना छोटा मोटा धंधा करते हैं और कोई भी व्यक्ति है भूखा गरीब है अमीर है, हर प्रकार का आदमी जल्दीबाजी में रहता है तो यहाँ पर अपना सुबह सुबह मिलता है। ये लोग बनाते हैं और खाते भी है, लोग यहाँ पर खा रहे हैं और बहुत ही अच्छा है। मेन चौराहे पर है, ये बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पर ये सब ये तिवारी कचौड़ी एवं पराठा भंडार है, यहाँ पर भी दो खड़ा हूँ। ये मैं आपको पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर आता हूँ और मॉर्निंग वॉक पर आने पर मैं अलग अलग जगहों पर जाता हूँ और लोगों को यहाँ के दृश्य के बारे में बताता हूँ। अभी मैं आज में आपको दिखा रहा हूँ, ये फ्लाईओवर बन रहा है, यहाँ पर ये मेट्रो आ गई दोस्तों। देखिए ये मेट्रो जा रही है, ये देखिए मेट्रो जा रही है, आप देखिए मेट्रो जा रही है, देखिए आप ये मुंशी पुलिया से मेट्रो जा रही है दोस्तों। ये सामने का ये फ्लाईओवर बन रहा है और तमाम सी गाड़ियाँ, देखिए ये फ्लाईओवर का दृश्य मैं आपको बता रहा हूँ, नया बन रहा है, इससे हमारे आने जाने वाले लोगों को बहुत ही सुविधा हो जाएगी और लोग सीधे यहाँ से टेढ़ी पुलिया चले जाएंगे। और यहाँ पर ई रिक्शा खड़े हैं, यहाँ पर चाय का स्टॉल है, ये मोटा भाई चाय हब है। यहाँ पर चाय का आनंद खाते हैं लोग दूर दूर से आके, यहाँ की चाय करीब 10-20 साल से ये चाय का होटल फेमस है दोस्तों। और मैं अभी इसी चाय के होटल के सामने खड़ा हूँ, ये देखिए ये मोटा भाई भैया यहाँ पर खड़े हैं। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी चाय मिलती है और ये लोग सबकी सेवा करते हैं। सुबह 5 बजे से यहाँ पर खुल जाता है, अधिक से अधिक लोगों को 24 आवर यहाँ पर सेवा मिलती है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप रात में भी आएंगे तो मुंशी पुलिया मेन चौराहे पर मोटा भाई चाय हब, इसमें आइए और आपको चाय
मिलेगी और ये भैया लोग यहाँ पर आपको मिलेंगे। जैसी आपको चाय की सुविधा हो आप वैसी चाय यहाँ पर पी सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। और दोस्तों अभी मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ की दिखाऊंगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो ये भगवान हनुमान जी का मंदिर है, ये बहुत ही अच्छा मंदिर है दोस्तों। ये भगवान हनुमान जी का मंदिर है, मैंने यहाँ पर घंटी बजाई दोस्तों। ये मैंने घंटी बजाई दोस्तों, ये हनुमान जी का मंदिर है, देखिए कितना सुहावना है ये मंदिर। ये हनुमान जी की फोटो है यहाँ पर, वह हैं साईं, साईं भगवान हैं, हनुमान जी हैं, दुर्गा माता हैं और शिव जी हैं, पूरा शिव परिवार यहाँ पर है दोस्तों। तो यहाँ पर आरती हो रही है, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर दोस्तों। मैं फिर से आपको बताऊँगा दोस्तों, ये फल मंडी है, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फल मिलते हैं। देखिए यहाँ पर बेर हैं, ये चना जो है इसमें नया नया चना आया है, मार्केट में आ गया है चना, इसकी सब्जी बनाते हैं, बहुत ही अच्छी सब्जी होती है, स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। ये सब चीज़ें हमको मिलती हैं। ये देखो दोस्तों यहाँ पर ये फलों की मंडी है, फल मंडी है, यहाँ पर सब सुविधाएं, आप कहीं से भी आते हैं यहाँ पर फल आपको उपलब्ध होंगे। विभिन्न प्रकार के फल हैं, मैं आपको सभी फलों को दिखा रहा हूँ, आप देखिए। और आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको, देखिए इसमें संतरा आ गया है, अंगूर आ गया है, सेब आ गया है और अनार देखिए आप बहुत ही अच्छा है, और पाइन एप्पल है, ये भी बहुत बढ़िया आया है, लोग खरीद रहे हैं। देखो ये फल की मंडी है, ये भी मुंशीपुलिया जो मेट्रो स्टेशन है वहीं पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये देखो ये दोस्तों पीपल का पेड़ है दोस्तों, बरगद का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, यहाँ पर बहुत ही सालों पुराना पेड़ है दोस्तों। इस पेड़ का इसके नीचे रहने से ये भगवान कृष्ण भगवान का इसमें रहते थे, इसमें विचरण करते थे। और ये पीपल के पेड़ से हमको बहुत अच्छी ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है, इससे इतना प्रचुर मात्रा में हमारे जीवन में ऑक्सीजन का संचार होता है, ऑक्सीजन मिलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए ये पीपल के पेड़ के नीचे दोस्तों मैं खड़ा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पेड़ पीपल का पेड़ है, इसके नीचे मैं खड़ा हूँ, मैं नीचे बोलिया चढ़ाए पर हूँ। आगे मैं दोस्तों और फिर आपको दिखाता हूँ, ये पूरी फल मंडी है। अभी ये लोग बेचारे खूब सुबह सुबह खोल रहे हैं, लोग इस प्रकार से अपने फलों को बंद रखते हैं और सुबह से खोलते हैं, अभी ये खोलेंगे। हमने मेट्रो मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन का मेन, यहाँ से हम मेट्रो के ऊपर प्रवेश करते हैं और ये मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, यहाँ पर हम मेट्रो में प्रवेश करते हैं। और ये SBI यहाँ पर सब बैंक की सुविधा भी है। ये देखिए ये मेट्रो स्टेशन जो बहुत ही अच्छा दृश्य यहाँ पर है। और यहाँ पर फिर दोस्तों मंदिर है, एक मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर यहाँ पर बनाया है, कैप्टन मुकेश श्रीवास्तव की याददाश्त में ये मंदिर बना है। यहाँ पर तमाम भक्त लोग, आज मंगल का दिन है तो पूजा पाठ कर रहे हैं, देखो भक्ति पूजा कर रहे हैं। और ये फिर से एक मंदिर है, यहाँ पर राधा कृष्ण जी फोटो लगी हुई है, बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हैं। आनंद को देखिए मंदिर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर बना है, लोग मंदिर में पूजा करते हैं। आज वैसे भी मंगल का दिन है, जो पूजा व्रता पाठ में व्यस्त हैं। और उसके बाद दोस्तों ये मेट्रो स्टेशन का मेन द्वार, यहाँ से लोग आते हैं, ये देखिए सामने देखिए, यहाँ से लोग आते हैं, कहीं से भी किसी जगह से आते हैं तो चारबाग से आके वो यहाँ पर स्टे करते हैं। यहीं सर मेट्रो का इंड पॉइंट है और इसी इंड पॉइंट से लोग यहाँ पर रुकते हैं और यहाँ पर से आ करके विभिन्न प्रकार की जगहों को यहाँ पर ई रिक्शा वगैरह खड़े रहते हैं, उसमें जो है लोग अपना जहाँ भी जिसको जाना है, कोई परीक्षा देने जाना है। और मैं अभी देखिए ये मेट्रो स्टेशन के गेट पर खड़ा हूँ, यहाँ से प्रवेश हो रहा है मेट्रो स्टेशन के पास मैं खड़ा हूँ दोस्तों। देखिए ये मैं मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ, ये मेट्रो स्टेशन, ये देखिए ये सीढ़ियाँ हैं, इसे हम मुंशी पुलिया लिखा हुआ है,
मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 है, स्वतंत्रता सप्ताह है। यहाँ पर जो है हम मेट्रो के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। मैं अभी मेट्रो, ये मेट्रो अभी यहाँ पर रुकी हुई है ऊपर, और यहाँ से लोग इंदिरा नगर के किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। चार बार से आते हैं और यहाँ से अपने अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचते हैं। और दोस्तों, मुझे शौक़ है और मैं भी चाहता हूँ कि लखनऊ का दृश्य सभी को दिखाऊँ। मैं आगे भी आप लोगों को लखनऊ, देखिए ये मेट्रो स्टेशन के नीचे का हिस्सा है, कभी भी आप कहीं से भी आते हैं या कहीं भी आते हैं कोई असुविधा नहीं है। आप मेट्रो स्टेशन से उतर करके यहाँ पर ई रिक्शा मिलते हैं। मैं यहीं पर खड़ा हूँ अभी दोस्तों, ये मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आप देखिए, और आप यहाँ पर पूरा कहीं भी जा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम कहीं पर भी ई रिक्शा वाले खड़े रहते हैं अपना, आप कहीं पर भी जा सकते हैं। मैं सभी लोगों को शेयर कर रहा हूँ, कोई भी विद्यार्थी हैं बाहर से आते हैं, यहाँ पर तमाम प्रकार की परीक्षाएँ होती हैं, उस परीक्षाओं को देने के लिए आते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। यहाँ पर ई रिक्शा वाले हर समय 24 आवर आपको मिलेंगे, आप यहाँ से कहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ पर सामने दोस्तों ये मेट्रो स्टेशन का पार्किंग है, पार्किंग में लोग यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं और फिर जो है वो अपने अपने ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, जो भी जहाँ काम करता है वहाँ चले जाते हैं। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा, मेट्रो वालों ने बहुत ही अच्छी सुविधा बना रखी है। जब से दोस्तों यहाँ पर मेट्रो बनी है, कम से कम 50% लोग यहाँ पर मेट्रो से सवारी कर रहे हैं, जा रहे हैं। और मैं आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से यहाँ पर तमाम प्रकार की बैंकिंग सुविधा भी आप देख रहे हैं, सामने बैंक हैं, सब कुछ है। ये मेट्रो के नीचे का पार्ट है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेट्रो का ये देखिए गाड़ियाँ जा रही हैं, भैया अपना घूम रहे, पुलिस वाले सामने तैनात हैं, अपना अपना स्टेशन काम करते हैं। तो ये सब सुविधाएं हमको, ये 112 नंबर की गाड़ी है, ये हर समय यहाँ पर तैनात रहती है, यहाँ पर पुलिस वाले सेवा करते हैं, ये लोग अपना हर समय सेवा में तैनात रहते हैं। देखिए बेचारे घूम रहे हैं, अपना ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। ये गाड़ी जो है 208 नंबर की गाड़ी हर समय यहाँ पर खड़ी रहती है, कोई भी असुविधा हो, कोई भी दिक्कत हो तो लोग जो है इसकी सेवा लेते हैं, ये लोग सेवा देते हैं। ये सरकार की अच्छी व्यवस्था है। देखिए ये मेट्रो स्टेशन में आपको दिखा रहा हूँ, ये पूरा मेट्रो का पार्ट है, इसका एंड पॉइंट ये है दोस्तों मुंशी पुलिया। इसके बाद इसका विस्तार होगा, आगे आने वाले भविष्य में विस्तार होगा, मैं फिर आपको आगे का सीन दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये नारियल का नारियल मिलता है, और ये स्वास्थ्य के लिए, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी जैसे जैसे यहाँ पर दुकानें खुलेंगी, लोग नारियल का वो लेते हैं, जूस लेते हैं और इसको पीते हैं, से शरीर स्वस्थ बनाते हैं। सामने फल मंडी है, ये हमारा सेक्टर 17 की फल मंडी की तरफ जाता है, और ये भी एक चौराहा है दोस्तों। ये मुंशी पुलिया के आगे माही चौराहा इसको कहते हैं। मैं अभी माही चौराहे पर खड़ा हूँ और मैं इधर से अंदर को प्रवेश करूँगा, यहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं। और दोस्तों लखनऊ की नज़ाकत वास्तव में बहुत ही अच्छी है, यहाँ की तहजीब और जो भी पुराने लोगों ने यहाँ की तहजीब बना रखी है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं है। लोग कहीं भी जाते हैं, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और रास्ता बताते हैं, कहीं कोई कोई किसी को जाना है, तमाम प्रकार के यात्रा के या कन्वेंस के यहाँ पर संसाधन हैं, और यहाँ कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये दृश्य है दोस्तों। मैं आनंद देखनी ब्लॉग के माध्यम से आज लखनऊ के मुंशी पुलिया चौराहे की का वृत्तांत मैंने आपको बताया। अभी मैं आगे जा रहा हूँ, ये माही चौराहा है, यहाँ पर तमाम मेडिकल्स की दुकानें हैं, यहाँ पर आप किसी प्रकार की दुकानें खरीद सकते हैं। और अभी ये खुली नहीं है, ये 10 बजे के बाद खुलती हैं दोस्तों। और मैं सभी लोगों के आज मंगलवार, भगवान मंगल हनुमान जी का सब पर आशीर्वाद बने रहे, उसी परिप्रेक्ष्य में सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूं। और आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। अधिक से अधिक लोग मेरा ब्लॉग देखें, सुनें। मैं क्या चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं कि मैं
बाहर से आने वाले लोगों को लखनऊ के बारे में बताऊं और किसी को भी कोई असुविधा न हो, मैं उसी अपने ब्लॉग के माध्यम से सबको अपनी बात शेयर करूंगा, करता रहता हूं, करूंगा आगे को भी। और मैं फिर किसी नए कल अगले वीडियो में किसी नए जगह के बारे में आपको बताऊंगा। और देखिए, ये सीधे हम यहाँ पर एक RLB स्कूल है, रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है, वह रास्ता हम जा रहे हैं। और RLB स्कूल अगर किसी को आना हो तो आप सीधे मेट्रो स्टेशन से उतार के RLB स्कूल का नाम लीजिए, वह सीधे यहाँ पर आ जाएगा। वो भी बहुत ही फेमस स्कूल है, विद्यार्थी वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जगहों पर निकल चुके हैं और काफ़ी पुराना स्कूल है। दोस्तों, मैं अभी आपको RLB स्कूल के बारे में भी बताऊँगा। मैं ये RLB स्कूल के पास पहुँच चुका हूँ दोस्तों, ये रानी लक्ष्मीबाई स्कूल है। अभी यहाँ पर बच्चों से मैंने बात की तो ये SR स्कूल के स्टूडेंट हैं ना, SR स्कूल के स्टूडेंट हैं ना आप लोग, तो आप लोगों का यहाँ सेंटर पड़ा है ना, तो ये इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो रहे हैं तो इन लोगों का सेंटर पड़ा हुआ है दोस्तों यहाँ। तो मैं देखिए बच्चे कितने उत्साहित हैं पेपर देने के लिए, लोग बेचारे SR ग्लोबल स्कूल है, SR ग्लोबल स्कूल, देखिए हमने आए कहाँ पर है दोस्तों, ये BKT रोड पे है, ये SR ग्लोबल स्कूल, हाँ मैं वहाँ जाता था उधर। ये आज इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है और ये लोग जो है परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं, अच्छी बात है। तमाम स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर इनका सेंटर पड़ा होगा। देखिए लोग बच्चे अपना स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना चिंतित हैं, सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का मन है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये बच्चे देखो होनहार बच्चे देखो ये अपना अपने पढ़ाई में संलग्न हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकी अपेक्षाएं हैं, दूर से आ रहे हैं, सब लोग अपना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या पेपर में आएगा, क्या आएगा, कैसे आएगा। हाँ ये देखिए भैया जी, ये स्टूडेंट भैया, आप कैसे कहाँ से आए हैं? हम आए हैं SR ग्लोबल BKT से। BKT से आए हैं, अच्छा आप इंटर का एग्जाम है तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया महसूस कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस है पूरा पढ़, मतलब बढ़िया तैयारी करके आए हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखिए हर बच्चे में कॉन्फिडेंस है, मुझे यही है कि भावी पीढ़ी हमारी आगे बढ़े, यही हमारा नारा है। भावी पीढ़ी में इतना जोश है, ये लोग आगे बढ़ने का मादा रखते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आज मुझे इन बच्चों से मिलने का सौभाग्य मिला, बहुत ही अच्छी बात है। मैं इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ, सब लोग सफल हों, आगे बढ़ें और देश का नाम उज्जवल करें। इन्हीं विद्यार्थियों में से कुछ लोग बहुत आगे पहुँचेंगे और बड़ा देश का नाम करेंगे, अपने माँ बाप का नाम करेंगे, देश का नाम उज्जवल करेंगे, समाज को आगे बढ़ाएंगे। यही हमारे होनहार छात्र हैं, यही हमारे पर्णधार हैं, यही आगे बढ़ के हमारे जीवन को साकार करेंगे। देखिए ये बच्ची कितना बिल्कुल मग्न होकर पढ़ रही है, बिल्कुल संलग्न होकर पढ़ रहे हैं। देखिए कितना चिंता है इनको कि क्या आएगा पेपर में, क्या लिखें, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी बात है, बस कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दीजिए, सब लोग सक्सेस होंगे, भगवान सबको आगे बढ़ाए। ये SR स्कूल के स्टूडेंट मैंने आपको दिखाए, ये लोग स्टडी कर रहे हैं। देखिए ये SR इंटरनेशनल स्कूल एंड स्पोर्ट्स एकेडमी ICSE बोर्ड है ये, और यहाँ पर इनका सेंटर पड़ा है। और ये दोस्त अभी देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम की शुरुआत होने वाली है, सब लोग जो हैं ये छोटी छोटी बालिकाएँ जो हैं ये पढ़ने के लिए इतनी उत्सुक हैं, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम देने आई हैं, कितनी छोटी छोटी हैं ये, इंटर में कल के दिन ये IIT में इनका सिलेक्शन होगा, अच्छी जगह होगा, कोई BTech करेगा, कोई MTech करेगा। तो आप लोग SR स्कूल से आए हैं? हाँ हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? अरे बताओ तो, हैं अर्चना नाम है। तो आप मतलब इंटर का एग्ज़ाम देने रहे हैं, तो आपका साइंस साइड है या आर्ट साइड है? साइंस साइड है, साइंस में फिजिक्स ग्रुप से हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, PCM, ओके PCM, ये इनसे मैंने क्या देखिए, ये PCM की स्टूडेंट है, बहुत अच्छी बात है, ये SR स्कूल के हैं। ये मैं बच्चों से बात करने में मेरा बड़ा अच्छा मन लगता है, ये लोग आगे बढ़े, देखिए ये पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने पढ़ाई में जुटे हुए हैं, यही होना चाहिए, यही हमको आगे को सीख मिलेगी,
इन्हीं बच्चों से हम कुछ सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये लोग सब आगे बढ़ेंगे। एसआर स्कूल के स्टूडेंट्स को मेरी बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएँ, और ये आगे बढ़ें, देश का नाम उज्जवल करें और अपने माँ बाप का नाम उज्जवल करें, समाज का नाम उज्जवल करें। ये हमारे देश के भविष्य हैं, यही हमारे देश के कर्णधार हैं। मैं इनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। दोस्तों, आज आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं ये स्टूडेंट से मिला, इन छात्रों से मिला, मेरा मन बहुत ही खुश हो गया। लोग इतने बच्चे इतने उत्सुक हैं परीक्षा देने के लिए, इतने उत्सुक हैं, बहुत ही अच्छे उत्सुक हैं, यही हमारी प्रतिभा है। दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन सब बच्चों के और लखनऊ के सभी निवासियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आनंद लेखनी ब्लॉग में बोल ब्लॉग के मान से सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं ख़ास तौर से RLB स्कूल में जितना भी स्टाफ है, जो भी है, उन्होंने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये स्कूल आगे बढ़े और ये स्टूडेंट सब आगे बढ़ें, ये हमारे भविष्य के कर्णधार हैं। अभी दोस्तों थोड़ी देर में एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, ये लोग, ये 3-4 गाड़ियां यहां पर आई हैं दोस्तों, ये एग्ज़ाम देंगे। मैं अंत में देखिए, ये बच्चे सामने हैं यहां पर, ये मैं एक दो बच्चों से और भी पूछ लेता हूं कि मतलब इनका क्या क्या उद्देश्य है, क्या ये चाहते हैं, क्या ये जीवन में बनना चाहते हैं। देखिए, ये आपस में अभी डिस्कस कर रहे हैं, और आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका क्या, कौन सा इंटर का एग्ज़ाम देने आए हैं क्या, हैं भैया? अरे बताने में क्या है यार। ये देखिए, ये स्टूडेंट हैं। तो मतलब आप लोग क्या क्या बनना चाहते हैं, बताइए आप हमको। पेपर तो करने, अरे पेपर हो जाएगा आपका, पेपर हो जाएगा। ओके, हाँ 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 भैया, आप क्या बनना चाहते हैं भविष्य में, बताइए आप हमको। आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर। वाह, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही होना चाहिए, यही हौसला है, यही हौसला है, यही आगे बढ़ने का का मन है, यही, इसी से आदमी आगे बढ़ेगा। देखिए, ये लोग बहुत स्टडी कर रहे हैं, तन मन धन से सब लोग आगे बढ़ेंगे। मैं अंत में तहे दिल से सभी छात्रों का और SR स्कूल के जो स्टूडेंट आए हैं, इनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, और ये लोगों का जीवन आगे बढ़े, ये लोग जो है जीवन में आगे बढ़ें, और इनके अंदर अच्छी भावनाएं हैं, ये उत्सुक हैं। सभी बच्चे जो भी आजकल एग्ज़ाम हो रहे हैं, परीक्षाओं का टाइम है, बच्चे सब व्यस्त हैं, उसी व्यस्तता में ये लोग मैं आज RLB स्कूल में आया, यहाँ पर तमाम प्रकार के छात्र मुझे मिले और उनसे मेरा परिचय हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ये लोग सब इंजीनियरिंग या IIT में सिलेक्शन होना चाहते हैं। अच्छी बात है, ये सबके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। अभी थोड़ी देर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करते हुए आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और सबके मंगल भविष्य कामना, सबका सब बढ़ूँ, सभी को मेरा आशीर्वाद, और सभी बच्चे आगे बढ़ें। लखनऊ की ये वह है, लखनऊ का की नज़ाकत है, लखनऊ में तहजीब है, हम लोग उसी तहजीब है। देखिए, ये अभी भी स्टूडेंट आ रहे हैं, देखिए ये अभी भी स्टूडेंट आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अंत में मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं आज ये RLB स्कूल के आगे खड़ा हूँ और सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ।